हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर मैं उसको कहूँ एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कुछ एप्लीकेशंस हमने पिछले वीडियो में कवर की थी, और जो अब अपने पास बाकी एप्लीकेशन है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो हमने सेकंड एप्लीकेशन पिछले वीडियो में पढ़ी थी, क्या कि जिसकी एसओपी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, मोर एसओपी वैल्यू, और वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, वो उतना ही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी एसआरपी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मोर एसआरपी वैल्यू, उस वो उतना ही क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो वो उतना ही बेटर क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमने किया था पिछले वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन थी, it also predict of order of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ट्रेंड। तो हम उससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इट ऑल्सो प्रेडिक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इट ऑल्सो प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ट्रेंड। तो इससे हमने जो सेकेंड अप्लीकेशन हमारी थी, उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ट्रेंड को बता सकते हैं। अब देखो, इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जो करेंगे हम, मैं लिख देता हूँ, अपने को ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नोट ए टू पॉजिटिव चेंज टू ए, और ये जो हमारे को वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। फिर हमारे को दे रखा है ई नोट बी टू पॉजिटिव चेंज टू बी, और ये दे रखा है 2.5 वोल्ट। फिर हमारे को ई नोट दे रखा है सी चेंज टू सी टू पॉजिटिव, और ये हमारे को -1.0 वोल्ट। ये हमारे को ई नोट सेल वैल्यू गिवन है। अब इन्हीं के बेसिस पे हमारे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो, हमारे को ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ये अपने पास अलग अलग इलेक्ट्रोड है, इनकी वैल्यू दे रखी है, और इनमें से हमारे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक तो सिंपल ये दे दे। तो देखो, अब मैं इनके ऑप्शंस लिख के दे देता हूँ आपको। एक तो दे दिया हमारे को बी टू पॉजिटिव, बी ऑप्शन दे दिया हमारे को ए, सी ऑप्शन दे दिया सी, और डी ऑप्शन दे दिया सी टू पॉजिटिव। ये हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से हमारे को बताना है कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब भी देखो ये हमारे को क्या दे रखा है, पहले तो इस वैल्यू को देखो, ए टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है ए में, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एसआरपी वैल्यू है। ये वैल्यू बी टू पॉजिटिव से चेंज टू बी, ये भी हमारे पास कैसी वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू है। और लेकिन ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास कैसी वैल्यू है, एसओपी वैल्यू है। जो सी चेंज टू सी पॉजिटिव, ये हमारे पास दे रखी है एसओपी वैल्यू। तो अब हमारे को पूछ रखा है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो इटसेल्फ क्या हो, इटसेल्फ जिसका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो या ऑक्सीडाइज हो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो उसी का, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यहाँ से बता सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमारे क्या देखने पड़ेगी, एसओपी वैल्यू।
तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं हमारे पास SRP। तो अब अगर मैं ई नोट ए टू पॉजिटिव चेंज टू, अगर मैं इसके लिए ए चेंज टू ए पॉजिटिव SOP वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा -1.5 वोल्ट, और बी चेंज टू बी पॉजिटिव के लिए अगर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो क्या आएगा -2.5 वोल्ट, क्योंकि मैंने बताया था SRP और SOP वैल्यू इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ से अब हमारे को तीनों क्या मिल गई, SOP वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ही क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो उतना ही बढ़िया क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं, देखो सबसे ज़्यादा SOP वैल्यू किसकी है, सबसे ज़्यादा SOP वैल्यू है सी की, मतलब जो अपने पास सी इलेक्ट्रोड है इसकी SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब इसकी SOP वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बी चेंज टू बी पॉजिटिव, तो ये इससे ज़्यादा तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं क्योंकि ये बी से बी पॉजिटिव मतलब इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो बी पॉजिटिव का तो ऑक्सीडेशन होने से रहा, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा देखो सी ये दे रखा है लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, देखो सी चेंज टू सी पॉजिटिव मतलब सी टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अपने पास बचे ए और सी, अब ए और सी में देखो ए का -1.5 वोल्ट है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका अपने पास जो है सी का वो है -1.0 वोल्ट, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव किसका है सी का ही मोर पॉजिटिव है, तो अब सी का मोर पॉजिटिव है तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना सी, तो सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम जो हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी या सिग्निफिकेंस पढ़ा था उसी के बेस पे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपको पूछ ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमारे को क्या देखनी पड़ेगी SRP वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, देखो और क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले इसकी एप्लीकेशन कवर कर लेते हैं हम क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है, देखो थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल ई नोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई नोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। देखो जब भी हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, सेल को बनाएंगे तो वहाँ ई नोट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब कि अपने पास ई नोट सेल EMF क्या होना चाहिए, EMF ऑफ सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब जब EMF ऑफ सेल पॉजिटिव होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास कैसी आएगी नेगेटिव आएगी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होगी नेगेटिव, तो वो सेल मतलब जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस होगी, कैसी होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। देखो हम जब पढ़ेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी तो वहाँ हम EMF ऑफ सेल के लिए स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब EMF ऑफ सेल ग्रेटर देन जीरो होगा लेस देन जीरो होगा या इक्वल होगा जीरो के, तो किसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी किसमें नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कहाँ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो वो हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ ई नोट सेल में पढ़ेंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा इसी के बेस पे रहेगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे उसमें, और हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ ई नोट सेल। लेकिन जो ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, जब भी हम किसी सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ई नोट सेल उसकी क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, तो ही वो सेल बनेगा अन्यथा वो सेल नहीं बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ई नोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ उसी के बेस पे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये सेल, देखो जब आपको EMF ऑफ सेल किसी क्वेश्चन में पूछ ले तो वो नेगेटिव आ सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है तुम ये सोचो कि नेगेटिव आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत है, वो EMF ऑफ सेल नेगेटिव मतलब कि ई नोट सेल क्या आ सकता है, ई नोट सेल अगर तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें नेगेटिव आ सकता है, लेकिन वो स्पॉन्टेनिटी की बात करे, अगर वो कहे कि ये सेल तुम्हारे कोई भी एक सेल दे दिया वो पूछे स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब ई नोट सेल की वैल्यू EMF ऑफ सेल क्या आएगा पॉजिटिव, अगर तुम्हारे से डायरेक्ट कैलकुलेट करवाए EMF ऑफ सेल तो वो नेगेटिव आ सकता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम नेगेटिव देखते ही ये कहो कि ये तो आंसर गलत आ रहा है, तो
वैसे कैलकुलेट होके नेगेटिव आ सकता है। तो अब इसी के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो अपने को तीन इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन, ए चेंज टू ए नोट, ए चेंज टू ए पॉजिटिव, और यहाँ अपने को दे रखा है 0.5 वोल्ट, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है ई नोट, बी चेंज टू बी पॉजिटिव, टू पॉजिटिव, और यहाँ भी टू पॉजिटिव लिखो, तो ये अपने को दे रखा है -0.1 वोल्ट। लास्ट अपने को दे रखा है ई नोट, सी चेंज टू सी टू पॉजिटिव, और ये दे रखा है 1.5 वोल्ट। ये अपने को तीन इलेक्ट्रोड दे रखे हैं और इन इलेक्ट्रोड के बेस पे अब उसने क्या किया कि एक तो दे दिया अपने को सेल ए चेंज टू ए टू पॉजिटिव, ये हो रहा है बी टू पॉजिटिव चेंज टू बी, एक तो ये सेल दे दिया अपने को, और दूसरा दे दिया अपने को बी चेंज टू बी टू पॉजिटिव, सी टू पॉजिटिव चेंज टू सी, ये अपने को दो सेल दे दिए ए और बी। इनमें से पूछेगा कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि फर्स्ट सेल दे दिया, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल मतलब कि सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, और ये सेकंड सेल की रिप्रेजेंटेशन, और ये अपने को तीन इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, इनसे ये सेल बनाना है। और वो ये कह रहा है कि इन तीन दोनों सेल्स में से कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम चेक करते हैं, देखो अब हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस अगर होगा तो ई नोट सेल कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये तो किसके लिए था, स्पॉन्टेनियस के लिए था। अगर अपने पास ई नोट सेल की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यही तो पढ़ा है हमने। तो इसी के बेस पे अब हम करेंगे। तो देखो ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी हम ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और हम ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो हम यहाँ जो दोनों वैल्यू यूज करते हैं वो वैल्यू कौन सी यूज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ भी हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे एनोड की भी और कैथोड पे भी। देखो कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, लेकिन हम यहाँ एनोड की भी कौन सी वैल्यू लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ भी क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो और एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जब हम ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट ये भी बताया था, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं अब इसी के बेस पे। तो मैंने सबसे पहले तो फर्स्ट सेल के लिए देख रहे हैं, देखो ए चेंज टू ए टू पॉजिटिव, तो हम यहाँ फर्स्ट सेल ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ई नोट ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ए चेंज टू ए टू पॉजिटिव, मतलब इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और हमारे को क्या लिखनी है, ई नोट ऑक्सीडेशन ही लिखना है। तो चलो इसका ई नोट ऑक्सीडेशन दे रखा है 0.5 वोल्ट प्लस, अब हमारे को बी चेंज बी टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है बी में, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो ये जो वैल्यू दे रखी है, ये हमारे को कैसी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू हमारे को दे रखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखी है। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ यूज़ क्या करनी है अपने को, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज़ करनी है। तो एक तो अपने पास ऑक्सीडेशन ले लिया, दूसरा हम ऑक्सीडेशन के साथ साथ ए चेंज टू ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, लेकिन वहाँ हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, रिडक्शन, तो ये क्या आ गया 1.5 वोल्ट। तो ये अपने पास 1.5 वोल्ट, और ये क्या आ गया प्लस 1.0 वोल्ट। तो ये हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू आई 1.5 वोल्ट। तो देखो यहाँ ई नोट सेल क्या है, ई नोट सेल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब ई नोट सेल अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेल कैसा होगा, ये सेल होगा स्पॉन्टेनियस, कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो फर्स्ट सेल तो हमने बता दिया, इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ से कोई भी सेल लिख के पूछे ये स्पॉन्टेनियस होगा यो या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब हम बात करेंगे सेकंड सेल की। अब देखो सेकंड, अब तुम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस
इनोड एनोड, और वहाँ किसकी वैल्यू यूज करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। सेकंड हम दूसरे की बात कर रहे हैं, इनोड सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ बी चेंज टू बी पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वैल्यू दे रखी है -1.0 वोल्ट। फिर हमारे को क्या लेने, सी टू पॉजिटिव चेंज टू सी, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ हमारे को क्या दे रखी है, एसओपी वैल्यू दे रखी है, तो हमारे को कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो रिडक्शन वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या आएगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इनोट, ऑक्सीडेशन प्लस इनोट रिडक्शन, तो ये हम वैल्यू लेंगे -1.5 वोल्ट। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपने को क्या लेनी है, एसआरपी वैल्यू, तो ये -1.5 वोल्ट, तो यहाँ से ये आ जाएगा -2.5 वोल्ट। तो यहाँ इनोट सेल की वैल्यू जो हमारे पास आई, वो वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव वैल्यू आई। अब नेगेटिव वैल्यू है तो इसका हम सेल नहीं बना सकते, हमने यही पढ़ी है अभी, जो एप्लीकेशन पढ़ी थी, ये क्या पढ़ी थी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल इनोट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास देखो कैलकुलेट होके नेगेटिव आ जाएगी, कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन उसका हम क्या नहीं बना सकते, सेल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास है सेकंड सेल, ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये सेल हमारे पास कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है हमारे पास, हम किसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वहाँ हम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इनोट सेल की हेल्प से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इनोट सेल। तो नेक्स्ट जो अपने पास एप्लीकेशन है वो है, देखो फोर्थ जो एप्लीकेशन है वो है, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपने पास इसके अंदर कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइसिस कर, किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, तो हम उसके प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनोट सेल की हेल्प से, ठीक है। तो अब देखो ये हम पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा, देखो ये होता किस तरीके से। जब हमारे को, मैंने ये ले लिया एक कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये दो इलेक्ट्रोड रखती है, ये अपने पास क्या है, कैथोड है, और ये अपने पास क्या है, एनोड। अब इसके अंदर क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो हम इसको हम किससे, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब ये हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, कोई भी जिसका हमारे को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, वो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, जिसका हमारे को इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मतलब कि उसके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, तो देखो यहाँ से अब जिसका ऑक्सीडेशन होगा हमारे पास, हमारे को कोई भी गिवन दे रखे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका एनोड पर क्या करवा देंगे, हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका हम कैथोड पे क्या करवा देंगे, उसका रिडक्शन करवा देंगे। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दो हमारे को इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको, उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन करवा देंगे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि SRP वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका हम कैथोड पे क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे। तो इस तरीके से हम जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ से मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हमारे को किसी का भी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी का भी कोई भी सब्सटेंस दे रखा है और उस सब्सटेंस का हमारे को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो उसके प्रोडक्ट को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से। तो ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो ये हमारी
एप्लीकेशंस थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, या फिर इनको आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। अब हम इसी के बेस पे जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी है इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में पूछ रखा है आपको विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपको इलेक्ट्रोड दे रखे हैं और उन इलेक्ट्रोड के लिए ईनोड सेल की वैल्यू हमारे को गिवन है। तो देखो Mg2 पॉजिटिव, यहाँ से 2 पॉजिटिव से किस में जा रहा है, Mg में, यहाँ Zn2 पॉजिटिव से जिंक में जा रहा है, Nc2 पॉजिटिव निकल में, Fe3 पॉजिटिव Fe में। तो यहाँ अपने पास देखो सबका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ किस में सब चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन क्या होता है रिडक्शन। तो ये हमारे पास टोटल कैसी वैल्यू है, SRP वैल्यूज गिवन है, और हमारे को पूछ रखा है रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले या इसको मैं लिख के दे दूं रिड्यूसिंग पावर। तो देखो बात एक ही है, अगर वो आपको क्वेश्चन में रिड्यूसिंग एजेंट लिख के दे दे या रिड्यूसिंग पावर, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग एजेंट सेम है, रिड्यूसिंग एजेंट पूछे या रिड्यूसिंग पावर बात एक ही है। तो अब ये हमारे पास SRP वैल्यू दे रखी है, अब हमारे से पूछ क्या रखा है रिड्यूसिंग एजेंट या फिर पूछ ले रिड्यूसिंग पावर। तो अब हम देखो किसके बेस पे बता सकते हैं, तो सबसे पहले SRP वैल्यू, तो हमारे को क्या लिखनी पड़ेगी इसकी SOP वैल्यू, क्योंकि जिसका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जिसका इटसेल्फ क्या हो, जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा वो उतना ही बढ़िया क्या बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और उसकी उतनी बढ़िया क्या होगी रिड्यूसिंग पावर, खुद क्या हो खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो यहाँ हमारे को चाहिए SOP वैल्यू, तो अब हमारे को SOP वैल्यू चाहिए, तो इसकी SOP वैल्यू बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो यहाँ ये क्या आ जाएगी 2.37 वोल्ट, इसकी आ जाएगी 0.76 वोल्ट, इसकी 0.73 वोल्ट और इसकी आ जाएगी 0.04 वोल्ट। तो ये हमने SOP वैल्यूज लिख दी। अब देखो SOP वैल्यूज हमारे पास गिवन है, अब हमने SOP वैल्यू इसकी फाइंड कर ली और SRP गिवन थी हमारे पास, तो अब हम इजीली क्या बता सकते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा SOP वैल्यू होगी, जिसकी SOP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना अधिक वो उतना ही बढ़िया क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑप्शन में आओ सबसे पहले Mg2 पॉजिटिव, तो देखो SOP वैल्यू तो Mg चेंज होगा Mg2 पॉजिटिव में, तो Mg2 पॉजिटिव तो खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, अब Mg2 पॉजिटिव से इसका इससे ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, देखो यही तो दे रखा है अपने को Mg चेंज टू Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या आई अपने पास 2.37 वोल्ट, तो ये अपने पास Mg2 पॉजिटिव तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इससे ज़्यादा और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। फिर अपने को दे रखा है Fe3 पॉजिटिव, तो देखो यहाँ Fe3 पॉजिटिव का भी क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि SOP वैल्यू ले ली हमने, तो ये Fe3 पॉजिटिव खुद क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, तो इससे ज़्यादा इसका भी नहीं हो सकता, तो अपने पास ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब बचे अपने पास सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन, अब इन दोनों में से देखो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.04 वोल्ट और Mg मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है 2.37 वोल्ट, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा मोर पॉजिटिव, तो देखो मोर पॉजिटिव वैल्यू ये है अपने पास, तो आंसर क्या सही आएगा Mg विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर पूछे तो क्या आएगा Mg मैग्नीशियम। तो देखो तुम यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना, वो Mg2 पॉजिटिव तो हमने ऑक्सीडेशन वैल्यू कैलकुलेट किया, तो Mg2 पॉजिटिव पहले से क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन तो हो लिया, अब इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं हो सकता, Mg2 पॉजिटिव कभी भी सही नहीं आएगा, ऐसे ही क्या दे रखा है Fe3 पॉजिटिव, तो इसका भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो दो आंसर ऐसे ही अपने क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे और बचेंगे दो। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं SOP वैल्यू आसानी से, अगर मैं चलो ये नीचे का हटा दिया यहाँ से रिमूव कर दिया और अब पूछूँ इनमें से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे कम देखो किसका होगा, जिसकी SOP वैल्यू सबसे कम, वो उसका सबसे कम वो उतना ही क्या होगा कमज़ोर, मतलब कि उसकी रिड्यूसिंग एजेंट पावर, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी कम, तो सबसे कम कौन सा होगा Fe, फिर उसके बाद क्या होगा निकल का, और उसके बाद क्या होगा अपने पास जिंक का, और सबसे ज़्यादा किसका रहा है Mg का, तो ये अपने पास क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखो हम इसका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द एस आर पी वैल्यू, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे को, द एस आर पी वैल्यू ऑफ थ्री मेटेलिक कैटाइन, तीन मेटेलिक कैटाइन दे रखे हैं हमारे को पी क्यू आर आर रेस्पेक्टिवली। तो उनके इनोट सेल के हमारे को क्या दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द कोरस्पोंडिंग मेटल इज, तो अपने को ये जो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं मेटल इलेक्ट्रोड, इनकी इनोट सेल की इनोट सेल की वैल्यू दे रखी है, उनके बेस पे अपने को क्या बताना है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है। तो देखो ये हमारे को एस आर पी वैल्यू दे रखी है। तो अब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो उतना ही उसकी क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर की कैपेसिटी ज़्यादा, मतलब किसी एलिमेंट को रिड्यूस करने की पावर उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ से हम एस आर पी वैल्यू तो अपने को गिवन है ही पी क्यू आर की, तो हम देखो एस आर पी वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं एस ओ पी वैल्यू। तो पी की एस ओ पी वैल्यू देखो ये हमारे पास क्या दे रखें एस आर पी, तो इसकी पी की एस ओ पी वैल्यू क्या होगी, जीरो माइनस 0.52 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास होगी प्लस 3.03 वोल्ट, और आर जो है हमारे पास उसकी होगी 1.18 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी एस ओ पी वैल्यूज़ हो जाएंगी इनकी, ये क्या हो जाएंगी एस ओ पी वैल्यूज़, क्योंकि एस आर पी गिवन है, तो यहाँ से हमने किस में चेंज कर दी इनको एस ओ पी में। अब हम इजीली क्या बता सकते हैं, इनका ऑर्डर बता सकते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो देखो यहाँ से अब देखो जिसकी एस ओ पी वैल्यू ज़्यादा होगी, एस ओ पी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एस ओ पी वैल्यू है किसकी, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा तो किसकी रिड्यूसिंग पावर, मतलब किसकी होगी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, क्यू की होगी। तो देखो इन चारों में से क्यू इसमें है, फिर देखो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी आर की, और फिर किसकी होगी पी की, तो ये ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा करेक्ट। तो ये आंसर इसका क्या होगा करेक्ट होगा, एस आर पी वैल्यू दे रखी थी और हमारे से क्या पूछ लिया रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो उतना ही बढ़िया क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो यहाँ से ये ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आ जाएगा किसका, रिड्यूसिंग पावर का। इसके बाद देखो हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फॉर द रिडक्शन ऑफ एनओ थ्री नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन, हमारे को क्या दे रखा है एनओ थ्री नेगेटिव आयन दे रखा है, उसका एनओ थ्री नेगेटिव आयन्स का क्या दे रखा है एक्वस सोल्यूशन दे रखा है, और उसकी ई नोट की वैल्यू दे रखी है 0.93 वोल्ट। अब हमारे को ये नहीं पता कि इसकी एस आर पी वैल्यू है या एस ओ पी, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कि क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कि एस आर पी है या एस ओ पी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब हम एस ओ पी और एस आर पी वैल्यू किसी क्वेश्चन में प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या मान के चलेंगे एस आर पी वैल्यू। तो उसने देखो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कैसी वैल्यू होगी एस आर पी, तो एन ओ थ्री नेगेटिव की हमारे पास क्या दे रखी है एस आर पी वैल्यू। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके से हमारे को ये क्या मानना पड़ेगा एस आर पी, ये हमारे पास क्या है एस आर पी वैल्यू। फॉर सम मेटल्स ई नोट इज गिवन एज, हमारे को कुछ मेटल दे रखे हैं उनकी ई नोट वैल्यू हमारे को गिवन है। अब उसने कहा द पेयर ऑफ मेटल विच इज ऑक्सीडाइज बाई एन ओ थ्री इन एक्वस मीडियम, मतलब कि इनमें से जो मेटल दे रखे हैं इनको किस किस को एन ओ थ्री नेगेटिव आयन क्या कर सकते हैं ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, तो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि एन ओ थ्री नेगेटिव आयन्स किस जैसा बिहेव करेगा, एन ओ थ्री नेगेटिव आयन्स रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, मतलब कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, जब इनको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका इटसेल्फ क्या होगा इटसेल्फ होगा इसका ऑक्सीडेशन। अब इसका इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अब हम देखो ऑक्सीडेशन खुद का इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब देखो जिस जिसका एस आर पी, ये भी हमारे पास कैसी वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास एस आर पी वैल्यू ही गिवन है सभी मेटल्स के लिए एस आर पी वैल्यू। अब ये एन ओ थ्री नेगेटिव आयन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब जिन जिन की एस आर पी, ये भी क्या है एस आर पी वैल्यू, जिन जिन की एस आर पी वैल्यू एन ओ थ्री नेगेटिव आयन के एस आर पी वैल्यू से कम क्या होगी कम, वो उनको क्या करेगा आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कि आसानी से क्या कर सकता है उनको ऑक्सीडाइज। तो देखो यहाँ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा ये, एस आर पी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, तो एस आर पी वैल्यू के अकॉर्डिंग
जिन जिनका एसआरपी वैल्यू अपने पास क्या है इससे कम है एनओ थ्री नेगेटिव आयन से, उनको वो ईजिली क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ऑक्सीडाइज करना है उनको तो खुद का क्या करवाएगा ऑक्सीडेशन। तो देखो इन सभी इन तीन केस में ये अपने पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस में इनकी देखो एसआरपी वैल्यू किससे कम है, एसआरपी वैल्यू एनओ थ्री नेगेटिव आयन की एसआरपी वैल्यू से कम है। तो पहले इन तीनों में जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो उतना ही जल्दी क्या होता है रिड्यूस होता है। तो देखो ये खुद क्या होगा अपने पास रिड्यूस हो रहा है 0.93 वोल्ट, तो ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करवाएगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ से अपने पास देखो इन तीनों की एसआरपी वैल्यू कम है तो इनको तो इजीली क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इनका तो इजीली क्या कर देगा ऑक्सीडाइज करवा देगा इन तीन का। लेकिन देखो यहाँ अब फोर्थ जो है गोल्ड वाला AU3 पॉजिटिव चेंज टू AU, इसकी ई नोट मतलब कि एसआरपी वैल्यू NO3 नेगेटिव आयन से क्या है ज़्यादा, तो ये पहले क्या होगा देखो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका उतना ही मतलब कि जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना ही जल्दी क्या बनता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडेशन, तो इन तीनों के हिसाब से जब हम देखेंगे तो इन तीनों में तो सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन किसका होगा अपने पास इसका होगा रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से जब हम देखेंगे। तो ये पहले इन तीनों की देखो अपने पास वैल्यू क्या है कम है इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ से ये जल्दी क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा तो इनको ईजिली क्या कर सकता है वो ऑक्सीडेशन करवा सकता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं उसके बाद देखो ई नोट सेल मतलब कि ये जो एसआरपी वैल्यू है ये एनओ थ्री नेगेटिव आयन से क्या है ज़्यादा है, तो ये एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि एसआरपी वैल्यू ज़्यादा जिसका जितना ज़्यादा एसआरपी वैल्यू उसका उतना ही जल्दी क्या होगा रिडक्शन होगा। लेकिन अपने को किसकी तरह देखना है ऑक्सीडेशन की तरह, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीडाइज करवाएंगे किसी को तो वो एज किसकी तरह वर्क करेगा एनओ थ्री नेगेटिव आयन से, वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। तो देखो इन तीनों को तो इजीली क्या करवा देगा ऑक्सीडाइज कर देगा इन तीनों का, तो लेकिन इसका गोल्ड का नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो एनओ थ्री नेगेटिव आयन से पहले कौन रिड्यूस होगा गोल्ड रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो एचजी का रिडक्शन और एफई का पेयर में बताना है, वैनेडियम और एचजी का भी करवा रहा है आयरन और वैनेडियम का भी, लेकिन ये पेयर में देखो इस पेयर में आयरन का तो करवा देगा लेकिन गोल्ड का ऑक्सीडेशन मतलब गोल्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो ये अपने पास इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने पूछा था कोई अपने पास क्या दे रखा है एनओ थ्री नेगेटिव एक्वा सॉल्यूशन में दे रखा है उसकी एसआरपी वैल्यू गिवन है, तो उसके बाद पूछ रहा है इन पेयर्स में वो किन किन को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। तो यहाँ से हम चेक करके बता सकते हैं देखो रिड्यूस जिसका खुद का क्या हो रिड्यूस और दूसरे को क्या करे ऑक्सीडाइज जी, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट में खुद तो क्या हो खुद तो रिड्यूस हो और दूसरे को दूसरे का क्या करवाए ऑक्सीडेशन, उसी को ही क्या बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से देखो पहले रिड्यूस कौन होगा यही होगा क्योंकि इन तीनों की एसआरपी वैल्यू कम है तो एनओ थ्री नेगेटिव आयन पहले रिड्यूस होगा, लेकिन गोल्ड की एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है तो ये पहले क्या होगा रिड्यूस होगा, और पहले रिड्यूस होगा तो दूसरे को उतना ही जल्दी क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरीके से ये पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास नहीं होगा, दिस पेयर ऑफ मेटल विच इज ऑक्सीडाइज बाई एनओ थ्री नेगेटिव इन एक्वस, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा गलत। तो इसमें से देखो अब अपने पास करेक्ट आंसर कौन कौन से आएंगे, तो बी सी एंड डी ये तीनों आंसर क्या हैं करेक्ट हैं, और ये क्या हो जाएगा अपने पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्या है गलत है, क्योंकि इस पेयर को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि आयरन को एफई को तो ऑक्सीडाइज कर पा रहा है लेकिन गोल्ड को नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी एसआरपी वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो ये पहले क्या होगा रिड्यूस होगा, और पहले रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा पहले ऑक्सीडाइज करेगा। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया है न्यूमेरिकल पोर्शन ई नोट सेल के बेस पे और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एंड नरेस्ट इक्वेशन के बारे में। ओके।